खतरे की घंटी बजा रहे हो आप लोग एक तरह से ऐसे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:06। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। संडे है, सुबह में तो बारिश हो रही थी तो कहीं जा नहीं पाए। अभी एक छोटा सा प्लान किया है, देखते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो पक्का ही डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे, और अगर बारिश होती है तो फिर कुछ कर नहीं सकते उसमें। एनीवेज अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अपेक्स सर्किल पे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम दो लोग ही जा रहे हैं, एक R15V3 और एक अपनी NS, सिंगल सिंगल। बाकी और देखते हैं आगे चल के जैसा भी होगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे अपेक्स सर्किल है, वो अपना मीटिंग पॉइंट। अभी अनिल से बात हुई, एक्चुअली अनिल जिसके साथ मैं आरगढ़ गया था वो जा रहा है साथ में, उससे बात हुई थी अभी, तो वो बोला कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। पहली बार टाइम पे आके मज़ा आ गया, 5:30 बोले थे, 5:26 पे पहुंच गया मैं। बाकी तो अपन तो हमेशा ही लेट करते हैं। आज टाइम पे निकला फ्लैट से तो पहुंच गया। एनीवेज लेट हिम कम, फिर वी विल कंटिन्यू आवर राइड। ये बारिश के मौसम में बाइक साफ करने की इच्छा ही नहीं करती, पीछे से ऐसा कीचड़ आता है ना इस पे, और जो पीछे बैठा हो वो तो गया। एनीवेज मुझे लग रहा है शायद वो आ गए, उसी का फोन आ रहा है। हेलो अपेक्स सर्किल आ जा। बस इज अबाउट टू अराइव, तो शायद पीछे में पेट्रोल पंप है वहाँ रह गया, कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था हमने, लेकिन मैं आ गया आगे। ये आ गए हमारे भाई साहब, तू धो के लाया बाइक, इधर देख। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी धोने की। चले तो अब अपने को लीड करेंगे अनिल, बिकॉज मैं रास्ता नहीं जानता, और हम लोग जा रहे हैं रामगढ़। इसी ने अनिल ने ही बोला था कि वहाँ पे अच्छा मौसम है और झरने वगैरह बह रहे हैं, तो ठीक है देखते हैं झरने भी। ठीक है भाई आराम से चलाया कर। ठीक है भाई, तो अभी हमें एक सब्सक्राइबर मिले, काफी देर से पीछा कर रहा था ये भाई हमारा, लेकिन ये गलत है। ट्रैफिक के अंदर ऐसे हाइपर राइडिंग करके पीछा करना इज वेरी रॉन्ग। आप खुद भी रिस्क ले रहे हो और दूसरों की लाइफ भी रिस्क में डाल रहे हो, तो ऐसा ना करें कभी।
घूमने चल रहे हैं यहाँ पे। जगह जगह रोड गीली मिली है हमें, लेकिन काफ़ी कम पानी चल रहा है। जो भी है चल तो रहा है ना, झरना तो है ही। एंड अगेन लास्ट टाइम की तरह मैं स्पेयर बैटरी लाना भूल गया, सो ये बैटरी एट प्रेजेंट जो इसमें कैमरे में लगी हुई है वो डेड होने को है। और चार्जिंग केबल भी लाना भूल गया, वरना यहाँ पे चार्ज में लगा देते इसको। कोई बात नहीं, लेट्स सी। यहाँ से जाएंगे वहाँ नीचे, अगर आपको कैमरे में समझ आ रहा हो तो। चल बाकी आपने एंगल, मतलब जो भी व्यू था वो तो मैंने यहाँ से दिखा दिया था। काफी मस्त जगह, दिमाग एकदम ऐसा रिलैक्स हो जाता है। नाहरगढ़ से भी अच्छी लगी मुझे तो, और मैं भी नाहरगढ़ घूम घूम के थक गए होंगे इसलिए लग रहा होगा। आजा 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 आजा, कैसे बुलाते बंदर को, आजा, नहीं आ रहा मत। खूब सारे बंदर हैं यहाँ पे एंड सी द व्यू मैन अल्टीमेट। यहाँ से लेफ्ट और नीचे को एंड दिस इज वेरी स्टीप मैन। अभी आपको समझ आ रहा होगा कितना गजब की, मतलब कितने गजब की ये लोकेशन है। दिस इज वेरी स्टीप और ये यहाँ पे कुछ खाना पीना करेंगे, नाश्ता टाइप। माउंटेन्स में हमारे अनिल भाई माउंटेन ड्यू पी रहे हैं। कैसा लग रहा है? ऊपर से चलेंगे पहाड़ों, पहाड़ों के ऊपर से सीधी इधर इधर ऊपर, इसके ऊपर चढ़ा के फिर ऐसे तो माउंटेन ड्यू पी लिए तो ऊपर से चलेंगे। डर के आगे जीत है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, बाइक से चलेंगे, बगैर बाइक को देखेंगे। अच्छा, पहाड़ों के ऊपर बाइक से या बिना बाइक के है? सही है। खाना पीना हो गया, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि अंधेरा होने को आया। कोई बात नहीं, अब हमारा कैमरा तो बाइक के ऊपर, हेलमेट वहाँ कैमरा रखा है तो उस वजह से उसका कैमरे की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, वही लास्ट टाइम वाला इशू। कोई बात नहीं, अभी बस चलने का टाइम, वापस जयपुर की ओर प्रस्थान। कितने किलोमीटर पड़ता है जयपुर से? जयपुर से 35 किलोमीटर पड़ता है लगभग, लगभग मुझसे थोड़ा ज़्यादा। मैं अजमेर रोड की साइड में रहता हूँ तो, और ये दिल्ली रोड की साइड में, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ठीक है कर लेंगे। रोड अच्छी थी। बैक टू जयपुर, ऑन द वे टू जयपुर। बस अभी थोड़े आराम से चलेंगे, अंधेरा भी हो गया है और आते टाइम तो थोड़ी इस वजह से खींची थी कि अंधेरा होने से पहले पहले पहुँच जाएँ, नज़ारे देख लें। नज़ारे देख लिए, अंधेरा होने से पहले पहुंच भी गए थे और अभी प्रॉपर अंधेरा हुआ भी नहीं है और हम लोग वापस जयपुर की ओर जा रहे हैं। बस बीच में कुछ कुछ जगह पे खड्डे हैं तो उस हिसाब से फिर आराम से चलेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर इट। और
थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात मुझे बोलनी थी। वो जो सब्सक्राइबर मिला था, ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी सब्सक्राइबर ने चेज किया हो। और ये वैसे मुझे काफी गलत भी लगा कि चेज करना गलत नहीं है, लेकिन हाइपर राइडिंग वो भी ट्रैफिक के अंदर करना भी सही नहीं है। आप लोग खुद की लाइफ तो खतरे में डाल रहे हो, इसके अलावा आपके अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ भी खतरे में डाल रहे हो, जो दूसरे रोड के ऊपर चल रहे हैं, बाइकर्स हैं, कार वाले हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। कैमरा देख के और भी बहुत लोग थे जो हाइपर राइडिंग कर रहे थे, हम लोग से कट मार रहे थे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हम लोग ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही हम लोग किसी कोई रेड लाइट जंप करते हैं, ना कोई और ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, और ना हमें ऐसे बंदे पसंद हैं, ऐसे ड्राइवर्स और राइडर्स पसंद हैं जो ऐसी हरकतें करते हों। तो ऐसा ना करें यार, कुछ तो समझो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था उस जगह पे, और उस जगह में आप लोग हाइपर, मतलब जो भी वो लोग थे वो लोग हाइपर राइडिंग कर रहे हैं। मतलब एक बार तो मैं बाल बाल बचा था, मेरी बाइक के जस्ट आगे से एक FZ वाले ने कट मारा, और उसका पीछे वाला टायर और मेरा आगे वाला टायर जस्ट थोड़े से बचे थे, ऊपर वाले की मेहर है बस बच गए। पर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और मैं ऐसी फुटेज डालूंगा भी नहीं जहां ऐसा हाइपर राइडिंग वाला सीन हो, कोई चाहे कोई भी कर रहा हो, लेकिन ऐसा मत करो। विनती है आप लोगों से, गलत चीज है ये। उसके अलावा रामगढ़ गए थे, मजे आ गए, और अभी रात के 1 बज रहे हैं, बारिश हुई थी तो उस वजह से वही लास्ट टाइम वाला था सीन, इधर नीचे में पानी भर गया था, वो पानी निकाला और फिर बस इधर क्या खिड़की से इधर से पानी आता है अंदर थोड़ा बहुत, तो उस वजह से। बाकी तो सब चिल है अपना, बस ये चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, ये ऐसी हरकतें ना करें प्लीज़। खुद भी खतरे में, मतलब खतरे की घंटी बजा रहे हो आप लोग एक तरह से, ऐसे कर रहे हो आप लोग नहीं, मतलब जो कर रहे हैं वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर वो लोग जिन्होंने ऐसा किया वो भी अगर देख रहे हो तो विनती है भाई साहब, ऐसा मत करो, बहुत गलत चीज़ है ये। वैसे रामगढ़ काफ़ी प्यारी जगह थी, बस उस रास्ते में एक चीज़ की थी दिक्कत कि जाते टाइम तो दिन था तो हमें सब दिख रहा था, आते टाइम रात हो गई थी, तो स्पीड में मतलब 50-60 की स्पीड से ऊपर नहीं चला पाए हम लोग, क्योंकि बीच बीच में गाय बैठी थी और जो और भी गाड़ियां थी बहुत सारी, उनमें पीछे रेडियम नहीं थे, बैक लाइट नहीं थी, तो वो एकदम अचानक से दिखती हैं, फिर अगर 80, 90, 100, 120 की स्पीड पे भी होंगे तो वो फिर रोकना, एकदम से रोकना पॉसिबल नहीं होता है। R15 में तो था, खैर अपनी में ABS भी नहीं है और रोड्स भी गीली हो गई थी हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से, जयपुर आए तो जयपुर में भी बारिश हो गई थी। एनीवेज मुझे लग रहा है शायद वीडियो लंबा हो जाए, हो ही चुका होगा, तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।